हेलो भाइयों, जय हिंद। मैं कौशलेंद्र सिंह गुर्जर, कौशल डिफेंस एकेडमी इंदौर से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छी टाइमिंग निकाल रहे होंगे। आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। SSC GD का रिजल्ट आया कल रात को 11:30 बजे, तो हमने करीबन 14-15 सिलेक्शन दिए हैं SSC GD में। हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है भाई। सारी कौशल डिफेंस अकेडमी परिवार बहुत ही खुश है। आज 6 बच्चे मिलने आए हैं, तो उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे और आप देखिए अभी। मत करना वीडियो भैया। ये जो हमारे 6 बच्चे ये SSC GD में सिलेक्टेड हैं, अब ये आपको खुद बताएंगे कौन से इनको पोस्ट मिली है और क्या क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है, वो सब बताएंगे आप एक एक करके। आ जाओ पटेल साहब, आप भी आ जाओ, आप आ जाओ। अभी ये बता देना कौन सी पोस्ट मिली है अभी। मैं CISF में सिलेक्टेड हूँ अभी। मेरे 95.65 नंबर थे आउट ऑफ 100 और मैंने तैयारी कौशल फिजिकल एकेडमी से की थी और 1 महीने का टाइम था, जिसमें 1 महीने मैंने दोनों टाइम वर्कआउट किया और उसी का रिजल्ट है कि मैं आज मैं सिलेक्टेड हूँ फाइनली। अभी हमारा इस पटेल साहब का स्वागत करेंगे, दिलीप पटेल नाम है इनका, और इनका स्वागत करेंगे हमारे ग्रुप के टॉपर विकांशु गुज्जर फ्रॉम UP। टाइमिंग है 1600 मीटर की जान। ये हमारे विकांशु गुज्जर है यूपी से, इनकी टाइमिंग 1600 मीटर की 4:24, 4:25 है। ये माला के हकदार हमारे सारे। अभी हमारे पाटिल साहब आएंगे, बुजुर्ग आदमी हमारे, आइए आप। देवाशीष पाटिल, जोर से बोलो पाटिल साहब। देवाशीष पाटिल नाम है, मेरा सिलेक्शन हुआ है SSC GD में, CISF पोस्ट मिला है और मेरे मार्क्स थे 86.6 थे और मैंने कौशल डिफेंस एकेडमी से सर के यहाँ प्रैक्टिस किया हुआ फिजिकल का और मेडिकल के भी सर ने किया हुआ है, तो सर के मार्गदर्शन में मतलब सब कुछ अच्छा रहा। अब सर ने हमको अच्छे से गाइडेंस दिया कैसे रनिंग करना है, सब कुछ अच्छा रहा, कैसे मतलब वहाँ पे टाइमिंग निकालना है, क्या अपने क्या खाना पीना है, सब कुछ तो बढ़िया रहा। और क्या अभी पाटिल साहब का हमारा भैया स्वागत करेंगे, हमारे सेकंड टॉपर कन्हैया फ्रॉम UP। आजा कन्हैया, जल्दी आजा भाई। भैया हमारे अगले हैं रोहित जायसवाल, आ जाइए भैया आप। भाई मेरा नाम रोहित जायसवाल है, सर के मार्गदर्शन में हमने यहाँ पे जो फिजिकल और मेडिकल करवाया था सर ने, उसी पे पूरा डिपेंड थे हम और डाइट इतनी अच्छी है सर की, सारी चीज़ें फॉलो कीजिए आप इनकी सर की। अब 101% आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। मैं CRPF से सिलेक्टेड हूँ, 86.27 मेरा नंबर है। भैया इस रोहित के स्वागत के लिए हमारे आएंगे जो हमारा मेरा छोटा भाई और बहुत अच्छा लड़का, थोड़ा मस्तीखोर इलू। हमारे सगा आइए, अभी आएंगे हमारे सुनील कुशवा, आ जाओ भाई।
मेरा नाम सुनील कुशवाहा है, मेरा सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ है। मैंने कौशल डिफेंस अकेडमी इंदौर से तैयारी की थी सर के मार्गदर्शन में, जो भी हुआ सर ने सारी चीज़ें बताई, फिजिकल तैयार करवाया, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल करवाया। सुनील के स्वागत के लिए हमारे आएंगे जो अभी तक टीएम में 2-3 बार रेस मार चुके हैं, कई बार एआरओ भर्ती में रेस मार चुके हैं, किस्मत नहीं साथ दे रही, मेहनत बराबर है। 18-19 भर्तियां देखने वाले छोटे लाल यादव फ्रॉम पटना। मेरा नाम सागर पटेल है, मेरे को असम राइफल में सिलेक्शन हुआ है मेरा, और मैं कौशल डिफेंस एकेडमी में एकदम न्यू बन रहा था। पहली बार में पहले मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे सागर पटेल के स्वागत के लिए आएंगे हमारे एकेडमी के फेमस चचा। चचा आ जाइए, चचा फ्रॉम छत्तीसगढ़। अभी लोकेश इतनी है क्या करें। हमारा अगला बंदा भैया लोकेश मालवीय, बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है भाई, इसका एक्सपीरियंस सुनिए अभी आप। मैं लोकेंद्र मालवीय, मैं 2018 SSC GD का कैंडिडेट, फिजिकल के लिए मैं सर के पास आया था और सर के मार्गदर्शन से मैं फिजिकल क्लियर हुआ और आज मैं मुझे ऐसे असम राइफल मिला है और सर का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू। लोकेन के स्वागत के लिए आएंगे महाराष्ट्र से सुयोग अपाले, जो सुयोग है कि नहीं अभी आजा भाई महाराज। ये भैया आज जो बच्चे अभी यहाँ इंदौर में थे वो मिलने आ गए आज, कल रिजल्ट आया आज मिलने आ गए और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। शायद हमने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं SSC GD में इस बार, और बाकी पता नहीं हमें, लेकिन हमारे हिसाब से जहाँ तक मैंने पता किया है वहाँ सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे ही रहे हैं SSC GD में अभी। और हालांकि हाँ, एक मेरा दोस्त भी है शिवपुरी का, गौरव यादव, उसने भी बहुत सारे सिलेक्शन दिए, तो गौरव के लिए क्लैपिंग कर दो। गौरव ने कई बार वीडियो में मेरा नाम लिया, उसका भी चैनल है, तो उसके लिए गौरव बहुत सारा प्यार भाई तेरे लिए, ऐसे ही अच्छा काम करता रहे, बहुत सारा लव यू भाई। भैया खुशी ज्यादा है, शब्द नहीं है, थोड़ा बोलना नहीं आ रहा, कैमरा फेस करना थोड़ा कम आता है। कौशल डिफेंस अकेडमी ने हमेशा से 85-90% रिजल्ट दिया है और आप जुड़िए, अच्छा वर्कआउट करते हैं हम लोग। हमारी इंदौर की एकमात्र एकेडमी है जिसके पास हमारा खुद का पर्सनल ग्राउंड है और इंदौर की सबसे बेस्ट टाइमिंग हम ही निकाल रहे हैं अभी एट प्रेजेंट टाइम, वो भी हमने 3 बच्चों ने दिया है। पहला बच्चा हमारा 4:24 में आया, दूसरा 4:25 में आया, तीसरा 4:26 में आया, इंदौर के इतिहास में किसी ने नहीं किया। इससे पहले 3 दिन पहले हम उज्जैन के अरीना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी इतिहास लिख के आए थे, उज्जैन के इतिहास की अरीना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड, भैया ताली बजाना इस बात के लिए, उज्जैन के इतिहास की सबसे बेस्ट टाइमिंग निकाल के आई। ये हमारे शब्द नहीं थे, ये वहाँ के जो कोच और वहाँ के बच्चों के शब्द थे कि आप सबसे बेस्ट टाइमिंग निकाल के जा रहे हो उज्जैन की, तो ऐसे ही हम बेस्ट देते रहेंगे और बेस्ट टाइमिंग निकालते रहेंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि भैया ये एक्सरसाइज कर लो इससे ये हो जा, भैया ये सारी बेवकूफ़ी है, एक अच्छे कोच के पास जाइए जो क्वालिफाइड कोच हो, जिसके पास स्पोर्ट्स का नॉलेज हो, स्पोर्ट्स की डिग्री हो या डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स में थोड़े बहुत अचीवमेंट हो या एक अच्छा, भैया देखो यार ऐसा जरूरी नहीं है कि एक
हर प्लेयर उसके हिस्से में मेडल आते रहे हों, ठीक है ना। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कोच हैं, जैसे हमारे हम लोग हैं, हमारे हिस्से में ज़्यादा मेडल नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारे मेडल सर्टिफिकेट हैं। मैं किसी दिन दिखाऊंगा आपको मेडल सर्टिफिकेट में अपने, बहुत जल्दी। हालांकि हम लोग कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ते इन चीज़ों में, तो दिखावे वाली चीज़ें कुछ करते नहीं हम, अपने काम से काम मतलब रखते हैं, काम से काम क्या बोलते हैं, काम से मतलब रखते हैं अपने, हाँ अपने काम से मतलब रखते हैं, इसलिए ये सिलेक्शन देते हैं भाई, देते हैं कि नहीं। जो भी कौशल डिफेंस अकेडमी में आना चाहता है बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है ना। ये खरीद के लाए हुए लोग नहीं है, ये वास्तविकता है, जिसको प्रूफ चाहिए प्रूफ दे दें। कुछ आएंगे बड़वे साले जो प्रूफ मांगने के लिए, भैया और बाद में हमें प्रूफ देने की किसी को जरूरत नहीं, हमारा काम बोलता है, ठीक है भैया। हर हर महादेव।